तो यहाँ पर मैं भिंडी काट रही थी और भिंडी को मैंने धो दिया था और उसको सूखने के लिए थोड़ी देर रख दिया था। उसके बाद मैंने चाय बनाया और साथ के साथ भिंडी भी काट रही थी। मैंने कहा चलो चाय पीती हूँ और भिंडी को भी काट के नाश्ते में आज भिंडी और रोटी बनाते हैं। पर फिर थोड़ी देर में सोचा कि नहीं, आज भिंडी नहीं खाते हैं, आज खाते हैं आलू का परोठा, क्योंकि मेघा ने भी बोला था कि मम्मी मतलब वर्षा दीदी बहुत टेस्टी बनाती है परोठा। तो फिर मैंने कहा चलो, मेरे को ऐसे काटते काटते ध्यान आया, तो मैंने कहा चलो अब काट ही रही हूँ तो काट के सारी भिंडी को रख देती हूँ और फिर आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो फिर अभी बोलूँगी वर्षा को बनाने के लिए। तो और तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और बस अब मैं चाय भी पी रही थी साथ साथ में। और अब देखिए मैंने भिंडी भी काट के रख दिया है, तो फटाफट से बस अभी आगे का प्रोसीजर क्या क्या होता है मैं आपको आस्ते आस्ते सारी चीज़ें बताते रहूँगी। नंगू नंगू ना लिया चुच्ची, ना बारिश से निकलने को माने, ना बाथरूम से निकलने को माने। यहाँ पर आज हम काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुना है। हाँ, तभी मैंने बोला इसको कि चल तेरे हाथ का आलू का परोठा। तो मैंने अभी मिक्सचर रेडी भी कर दिया यहाँ पर आलू के परोठे के लिए। चलो अभी आलू का परोठा बना के खिलाते हैं। वैसे इसकी असली मालिक तो वो है। अच्छा, वो मैडम उनसे सीखा है। उनसे सीखा है। चलो उनके आगे तो अब अच्छा तो क्या ही होगा, पर मम्मी को अब खाना था मेरे हाथ का तो नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, होगा। अभी बस बनाओ फिर खाती हूँ। कहाँ पहले शादी से पहले आलू का पराठा मुझे बनाना ही नहीं आता था। बनाना भी नहीं आता था, इतना पसंद भी नहीं था तेरे को ना। पसंद भी नहीं था, अभी तो मैं ऐसा हो गया क्रेज आलू के पराठे के पीछे पागल। चलो चलो अभी बस ये मलाई इसी से खाऊंगी मैं। तो खाया नहीं जो सिंपल वाला बना था। हाँ अभी ये खाने आ गई। ये उल्टा चले गया आलू। सिंपल वाला पराठा दिया था तो प्याज भूज नहीं डाला। चलो खा के बताओ गाइस को। बहुत दिन के बाद खा रही मैं, बता रही। ओहो चलो कोई नहीं। ओह 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 ठीक है, टेस्टी भी। और बहुत दिन के बाद खाने का तो और मजा आया। आपको कैसा लगा भाई? हाँ तो भाजू आप क्या नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि आप सही सीखा हुआ। ओहो अभी 10% और है। चलो भाई चलो। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ पर पंडित जी मतलब विधि विधान से पूरा एक एक चीज़ को इतने सुंदर तरीके से मतलब सजा रहे थे। और सच में कहूँ तो मतलब ये पंडित जी का मेरे को पूजा बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा विधि विधान से करते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा पंडितों को मैंने देखा है कि बहुत जल्दीबाजी में करते हैं और मतलब शॉर्टकट में कर देते हैं, पर ये पंडित जी हैं कि ये पूरा विधि विधान से हर एक एक चीज़ को मतलब अच्छे से वो करते हैं। तो इसी यही रीज़न था मुझे देहरादून आने का। तो काफ़ी लोग फिर पूछेंगे किस चीज़ का पूजा है, क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कुछ ग्रह वगैरह होते हैं कि जो कि हर मतलब साल में दो साल में एक बार कराना चाहिए। तो आपको पता ही, पिछली बार जैसे आकाश का मैं वहाँ पर जाकर पूजा कराया था, तो इसका भी था कराने को, पर मैंने कहा नहीं, एक का पूजा तो मैं घर में कराती हूँ जो कि थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे विधि विधान से। तो अभी मेगा का एग्ज़ाम वगैरह पेपर वगैरह हर चीज़ ख़त्म भी हो गया था और फ्री भी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी इसी बहाने से चलो घर में भी जा के थोड़ा सा दो चार दिन घर में भी रहना हो जाएगा और अच्छे से इसका मतलब पूजा वगैरह भी कर देंगे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह सारा संपन्न हो गया था। बाबा मैं बाहर नहीं आती तो मेरे को पता नहीं चलता है ये कौन है। गुल्लू गुल्लू हम लोग घर आको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे बढ़िया बढ़िया। अरे सफाई दे दे, सफाई देना था। नहीं नहीं हाँ? वो मेरे दीदी है। दीदी कितना प्लेट है ये? 5 प्लेट। अच्छा 10 प्लेट।
5 प्लेट में हो जाएगा। इसको फ्रिज में रख दो अभी। अभी मोमोस खाओ, जाओ ऊपर। फ्रिज में रखो, बोलो बाद में खाना बाबू। पहले बाहर जाएंगे तब खाएंगे, सामने नहीं खाना। जाओ जाओ जाओ, ये रख देते माती डीप फ्रिज में। डीप फ्रिज में रख देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ बाद में, अभी हम छुप के खाएंगे ऊपर। छुप के खाएंगे ठीक है, इन दोनों को देना। चलो वो मीना थापा ब्लॉगिंग देख लाल जी। इस तो दुकान दुकान होने मान चाहिए ना। अरे इस एक मिनट कैसा है? अरे डाल दो ना, डाल दो, डाल डाल डाल। दुकान वाले वाले से भी नहीं खाओगे? अभी खाओगी? हाँ बाते। ये इसको नहीं खड़ी, उसको इसको नहीं। अच्छा। बुलाई। बुलाओ, बुलाओ आ जाओ। चिड़िया बन गई? ओ चिड़िया बन गई, चिड़िया, चिड़िया बन गई। मैं पहन लूँ? ससु मैं करती हूँ। होगी सफाई? सफाई करी इन दोनों ने, तीनों ने। फिर अब ये नहा रहे, अपने आप को साफ कर रहे। ओहो, ओ बाबा, बाल्टी में देखो, बाल्टी में, टॉग में। सिया खड़े हो जो। अच्छा मम्मी नहाती नहीं घर में? बस करो करो, डांसी डांसी। ओहो, डम 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 डम। ओहो यहाँ पे पार्टी चल रही है। अरे कहाँ जा रहे हो? तो मेरे पास मोमो खा रहे हो? मोमो खा रहा हूँ। क्या खा रहा है? हम मोमो खा रहे हैं। अरे खांचे अच्छे ना मोमो पार्टी, जो कि हमेशा चलती है। मेरा तो उनका फेमस मोमो। खा दो खाना, तब खाना अभी खा लो। ना ना, मैं तो खाँचु भेज बेड वाला खा ला। हाँ और खा रहा हूँ देना, रुक मैं वो ले रहा हूँ। अरे बिचारा प्लेट ले दे। कोई नहीं खाएंगे। ओ अभी बचेगा था ना, बचेगा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। ये है स्वस्थ धारा। तो हम सबका प्लान हुआ कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाना है। तो मैंने सभी से पूछा कि अगर कहाँ पर जाना है बताओ सभी। तो सभी को ये था कि थोड़ा सा जैसे नदी के किनारे थोड़ा सा पानी वगैरह भी हो और नहाने का भी और पिकनिक जैसा भी हो। तो फिर हमने कहा चलो ये स्वस्थ धारा है, जो कि मतलब जगह भी अच्छा है, पानी भी साफ है। तो फिर हम सभी यहीं पर गए और यहाँ पर खूब अच्छे से हमने इंजॉय किया, मतलब पिकनिक भी हो गया। तो उसके बाद हम गए थे तुनिसा के घर। तुनिसा के पास क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? तो देखिए ये है हमारी तुनिसा, मैं मिलने आ गई हूँ। और कितनी बड़ी होगी देखिए, मेरे बराबर होने लगी, मेरे यहाँ पे आ गई है ना। दादी को बराबर बनी। और दादी इतना आएगा सर, दादी को गाड़ी समाएगा सर। हाँ गाड़ी समाएगी सर। अच्छा तो ये है हमारी तुनिसा का घर। और यहाँ पर दूसरी रो रही अपनी मम्मी को याद करके। तो हम सीधा पिकनिक से सीधा तुनिसा के घर में आ गए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था। और फिर उसके बाद सभी को मिलना था, मेगा को, वर्षा को, मुझे भी मिलना था तुनिसा से, बिंदु से। तो फिर हमने कहा चलो अभी पिकनिक से सीधा वहीं पे जाते हैं, वहीं पे मिलते हैं और फिर उसके बाद रात को आके सोना ही है। तो हम चले तो गए पर सारे इतने थक गए थे, क्योंकि जैसे पिकनिक में पता ही है नहाने से और उससे मतलब थकान हो जाती है। तो सारे सो गए थे, सिर्फ दीदी और मैं थोड़ा बैठ के बच्चों को देख रहे थे और तो सारे सो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे समधी जी और जीजा जी भी सो रहे थे। तो बस इसके बाद हम फिर वहाँ से निकल गए थे, रात को आ गए थे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ पर अब सब एक एक करके जा रहे थे। तो यहाँ पर दीदी जीजा खड़े थे, तो उनकी विदाई हो रही थी और बेटा बहू भी दीदी के।
वो लोग भी रेडी हो गए थे, वो लोग भी निकल गए थे। तो मतलब दो दिन पता नहीं चला कि कैसे गुजर गया, क्योंकि जैसे मैं जैसे आती हूँ देहरादून, तो जैसे टाइम रहता तो मैं हमेशा जाती हूँ चंडीगढ़, तो इस बार टाइम कम था क्योंकि जिस रीज़न से मैं आई थी आपको बताया कि जो थोड़ा बहुत पूजा था उसके लिए आई थी, और थोड़ा सा घर का भी घर को भी देखने का मन था, तो फिर इसलिए आई थी। तो मेरा मतलब इस बार चंडीगढ़ का प्लान नहीं था, तो दीदी ने और दीदी के बेटा बहू मतलब सब ने प्लान किया कि चलो आज मतलब मौसी को हम सरप्राइज़ दे देते हैं। तो वो लोग फिर मतलब बगैर बताए सरप्राइज़, मतलब उनका तो पता था मुझे, जैसे सपना तो आपको पता ही है, वो वर्षा के साथ आई थी, और दीदी लोगों का तो कैंसिल था, तो मतलब जैसे अचानक आया तो मैं एक मिनट के लिए तो हक्का बक्का रही कि हाँ, मतलब जैसे मैं बाहर नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता, मतलब अंदर रहती तो शायद अंदर ही आकर सरप्राइज़ मिलता, तो मैं वैसे अचानक बाहर आई थी तो मुझे सरप्राइज़ मिल गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस एक एक करके विदाई हो रही थी, तो सबसे पहले दीदी लोग और दीदी की बेटी और बहू वो लोग गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे समदन जी उसको उठा रहे थे, ये टिया को, तो ये जब से आई वो एक बार भी मेरी गोद में आई ही नहीं, ना मेरे गोद में किसी गोद में, पर समदन जी के साथ इसका ग्रे मिल गया या क्या हो गया कि जब से मतलब हमारे समदन जी आए तब से मतलब उनकी गोद में बैठी है, जैसे वो कहीं जा रहे हैं कुछ काम कर रहे तो उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो यहाँ पर हमारी बहू रानी ने भी हमसे आशीर्वाद ले लिया था, और बस अब जाने की पूरी तैयारी हो गई थी, बेटा वहाँ पर गाड़ी निकाल रहा था। तो जैसे कि आपको पता ही है अभी जीजा लोग भी आए हैं और दीदी के बेटा बहू भी, तो दीदी और जीजा जाएंगे मतलब ओला में, तो शेयरिंग जो होता है ओला उसमें। तो यहाँ पर वर्षा और मेघा जा रहे थे छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर दीदी बाय बाय कर रही थी, तो मेघा भी ने बोला कि मैं अकेले यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, मैं भी जाती हूँ छोड़ के आती हूँ, तो वो लोग भी निकल गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दीदी का बेटा भी, उसने भी गाड़ी निकाल दिया था। तो उसके बाद नीचे पीछे के साइड में बेटी और बहू बैठ गए थे, और आगे के साइड में हमारी ये जो मोटी गोलू मोलू नातिनी है वो बैठ गई थी। यहाँ पर सीट बेल्ट का उसको पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर समदी जी भी सीट बेल्ट लगा रहे थे, तो यहाँ पर नीचे एक दूध का पैकेट भी मिला, शायद वो कप का था, शायद वो सीट के नीचे गिर गया तो किसी को दिखा नहीं, तो वो मैंने कहा ये तो दही भी बन गया है, छाछ भी बन गया है। तो बस अब वो लोग भी निकल गए थे, तो उनको भी हमने टाटा बाय बाय कर दिया था।